इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं मोना खान। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस का आज फैसला सुनाया गया है, ममनुआ फंडिंग केस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। गुज़िश्ता वर्ष 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था फॉरेन फंडिंग केस में, जो कि 8 साल तक चलता रहा था इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि PTI की जो फंडिंग है वो ममनुआ है, और उस हवाले से मज़ीद तहकीकात करने का हुक्म दिया था। और उस फैसले की बेस पर बैंकिंग कोर्ट में ट्रायल भी जारी है, और उस हवाले से PTI को नोटिस वगैरह भी इशू हुए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की, उसको चैलेंज कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको इस केस को सुना। गुज़िश्ता माह 11 जनवरी को इस केस का फैसला महफूज किया गया, लार्जर बेंच ने फैसला महफूज किया था। आज जब फैसला सुनाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी कि जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसको कालम करार दिया जाए, उस फैसले को, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, आपने थॉरोली इस केस को कवर किया है, तो अगर फैसला जो अगर दरख्वास्त मुस्तरद अगर ना होती तो जो ट्रायल चल रहे हैं वो शायद ख़त्म हो जाते, तो अभी अब बताइए केस के हवाले से। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शुरू में ही की कि इस केस का सबसे बड़ा जो इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है वो FIA की, वो एंटी करप्शन की FIR है जो PTI के चेयरमैन इमरान खान और उनकी जो लीगल लीडरशिप है उस पर है, और खास तौर पर इमरान खान इस केस में बुरी जमानत पर हैं। अगर यहां से ये फैसला आया है तो इट मीन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि 2022 में इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग केस में जो फैसला दिया था वो दुरुस्त था, उसके हवाले से जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी दुरुस्त चल रही हैं। तो अब जो FIA की इस्लामाबाद की कोर्ट है वहां से बुरी जमानत वाला जो मामला इमरान खान का चल रहा है, अगर वो जमानत आइंदा हफ्ते वो लगी हुई है, तो अगर वो खारिज होती है तो इमरान खान उसमें गिरफ्तार भी हो सकते हैं। आज का जो फैसला है उससे मुतलिक बात करें तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद PTI इस हवाले से थी कि शायद कोई डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि आखिरी जो समात थी उस समात में ये चीज़ सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले साल फैसला दिया था उसके बाद PTI को एक शोकाज नोटिस जारी किया था। वो शोकाज बुनियादी तौर पर यह था कि आपके खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है, और आप वो जो अकाउंट्स थे आपके, तकरीबन 16 अकाउंट्स बनते हैं, उनमें जो अमाउंट आ रही थी उसको साबित करने में जो है वो नाकाम रहे हैं। तो उसके हवाले से ये कहा गया था कि क्यों ना ये बहाके सरकार जो है वो जब्त कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस के बाद भी वो जो अमाउंट है, स्पेसिफिक जो अमाउंट है उसको जब्त करना है, लेकिन इसके तनाजुर में पैरेलल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत आम है। एक तो FIA की कार्रवाई, दूसरा पार्टी जो है वो उस पर जो पाबंदी लगाने के हवाले से, क्योंकि यहाँ बहुत बात हुई जो अनवर मंसूर खान है साबिक अटॉर्नी जनरल PTI के, वो बात करते रहे कि जो फॉरेन एडेड पार्टी जो है हमें कहा जा रहा है ये नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि ये फॉरेन एडेड नहीं है, ये हम जो है वो ममनुआ फंडिंग इसको कहा जाए। और उसके तनाजुर में उनका यह था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसी डायरेक्शन दे दे कि आप शोकाज नोटिस पर भी PTI को मुकम्मल तौर पर सुने और उसके बाद फैसला दे, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स फैसला आया और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की जो जारी की थी उन्होंने, जिसके बाद शोकाज हुआ, उसको अदालत ने दुरुस्त करार दिया है, बिल्कुल इंडोर्स किया, उनका मुकम्मल फैसला जो है उसको इंडोर्स कर दिया है कि वो सारा फैसला जो है वो दुरुस्त था। उसमें खास तौर पर गवर्नमेंट को भी वो फैसला भेजा गया था। गवर्नमेंट को भेजने का मतलब जो उनके वकील जो है वो PTI के यहां पे बताते रहे, उनका मतलब ये था कि ये फेडरल कैबिनेट के पास जाए, फेडरल कैबिनेट उस पर फर्दर जो पार्टी पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो रेफरेंस भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो रेफरेंस भेजे और उसका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाया जाए। ये पैरेलल कार्रवाइयां और मेन जो फैसला है उस तमाम के खिलाफ जितनी भी उनकी सदाएं थी, दरखास्तें थी, तमाम जो है वो खारिज कर दी गई हैं, और बज़ाहिर PTI पर बतौर जमात इसके बहुत गहरे असरात होंगे। देखें, असरात तो ये भी होंगे ना, अभी जो 15 फरवरी को भी केस होना है बैंकिंग कोर्ट में, जिस पे FIA ने नोटिस जारी कर रखा है, और इमरान खान साहब जमानत पे हैं, और इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे, तो जज रक्षंदा साहिबा ने ये कहा था कि अगर अगली हेयरिंग में वो नहीं आते, क्योंकि उन्होंने FIA ने कहा था कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे ममनुआ फंडिंग केस में, तो PTI इमरान खान साहब की जानिब से वहाँ पे FIA को लेटर लिखा गया था कि वो जमानत पाक आ जाएँ और वहाँ पे आके जो सवाल करने हैं या फिर सवालनामा भिजवा दें
दें तो फिर उस पर वो अपने जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब FIA और बैंकिंग कोर्ट में ये कहा गया था कि अगर अगली पेशी पर वो नहीं आते तो वो जमानत उनकी जो है वो खारिज हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर अगर ये फैसला अगर आज उनके हक में आ जाता तो ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं ये खत्म हो जाती, लेकिन अब चूंकि फैसला हक में नहीं आया तो ये इसके इम्पैक्ट जो है इसके असरात जो हैं वो दूरस्थ होंगे। बिल्कुल, बहुत दूरस्थ होंगे। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि अदालत ने कह रखा है कि हर सूरत इट मीन कि इमरान खान अब आइंदा जो समाअत होने जा रही है FIA जो बैंकिंग कोर्ट है वहाँ पे हर सूरत में उन्होंने पेश होना है। और अब स्टैंप ये लग गई है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी दुरुस्त था। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती, अगर फर्ज कर लें आप ये भी सिचुएशन होती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग होती, उसका भी एक असर होता कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है अभी तक हाई कोर्ट के फैसला नहीं आया। लेकिन फैसला आ जाने का मतलब ये है बज़ाहिर कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दिया था वो दुरुस्त है। अब उसकी फाइंडिंग के मुताबिक जो बैंकिंग कोर्ट है वो भी फैसला करेगी। एक तो पार्टी पे इफेक्ट है कि पार्टी बतौर पार्टी उस पर पाबंदी या उस पर इफेक्ट आएगा, उसकी सियासत पे इफेक्ट्स आएंगे और खासतौर पर इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसका भी तनाजुर बन सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पर। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। डेफिनेटली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फोरम मौजूद है, लेकिन उनको फौरी तौर पर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, कोई स्टे, कोई इस किस्म की चीज लेनी पड़ेगी, वगरना उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां आगे बढ़ रही हैं इसके गहरे असरात होंगे। जी बिल्कुल, आज जो फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज करेगी या अगला अपना कानूनी कौन सा लाए अमल इख्तियार करती है। तब तक के लिए शुक्रिया।